Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. 22 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगी हुई है। प्रशासन अपने अपने जिले में एक दिन रात जुड़ा हुआ है। वहीं इस बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन का एक निर्देश पर सवाल खड़े हुए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि हर दुकानदार को अपने नाम पर बोर्ड सामने लगाना होगा, जिससे कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से सामान न खरीद ले। इस बात को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेले आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश यह गलत परंपरा है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के संबल जिला प्रशासन द्वारा बेसिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण व स्कूली छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतार कर जाने का यह अनुचित आदेश भी काफी चर्चा में है। इस मामले में भी सरकार तुरंत ध्यान दे। बता दें कि इससे पहले भी ओबीसी और जावेद अख्तर ने प्रशासन के निर्देश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर विरोध जताया और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की बात कही है।